साउथ अफ्रीका पहुंचते ही टीम इंडिया पर हुआ जानलेवा हमला, दो खिलाड़ियों का हुआ मौत, साथ ही पांच खिलाड़ी हुए घायल। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे डिटेल में। उससे पहले अगर दोस्तों आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो पर दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों आपको बता दें टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मुकाबला खेलने के लिए बीती रात साउथ अफ्रीका पहुंची थी, तभी टीम इंडिया के साथ एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसके बाद कुछ खिलाड़ी घायल हो गए हैं। दोस्तों दरअसल आपको बता दें टीम इंडिया जिस होटल में रुकी थी उस होटल में गैस लीक होने के कारण अचानक आग लग गई जिसके बाद अफरा तफरी मच गया। इसी बीच टीम इंडिया के कई खिलाड़ी घायल हो गए हैं। हालांकि आग लगने से साउथ अफ्रीका के दो नागरिकों की मौत हो गई है, साथ ही कई स्टाफ भी घायल हो गए हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया में किसी भी खिलाड़ी की मौत नहीं हुआ है। हालांकि रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को चोट लगने से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि इस घटना के बाद साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड पर भी जुर्माना लग सकता है क्योंकि इसकी जिम्मेदार साउथ अफ्रीका के क्रिकेट मैनेजमेंट है। इस खबर को सुनने के बाद नरेंद्र मोदी भी एक्शन में आ गए हैं जिसके बाद पूरी टीम को दूसरी होटल में शिफ्ट किया गया है।